पता है, हर बार तुम्हें किसी चीज़ से दूर कर देने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे नसीब में नहीं है वो। कभी कभी अल्लाह तुम्हें इस चीज़ से इसलिए भी दूर कर देता है ताकि तुम्हें अपने करीब कर सके। इस चीज़ के लिए तुम्हारी जो तड़प है वो तुम्हें अल्लाह के करीब करती है, और जब तुम अल्लाह के इतने करीब हो जाते हो कि अल्लाह के बग़ैर और अल्लाह से बातें किए बग़ैर रह नहीं पाते, तो अल्लाह तुम्हें वो चीज़ भी लौटा देता है जिसकी तड़प में तुम अपने रब को पहचान लेते हो। यही तो उसकी अता का अंदाज है कि पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहाँ से अता करता है जहाँ से मिलना तुम्हें मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। मुमकिन है जो तुम मांग रहे हो इस आजमाइश के बाद वही तुम्हारा सिला हो। यकीन रखो, जिसने मुकद्दर लिखा है ना, बहुत ही रहीम है वो। रब अपनी रज़ा में खुश होने वालों की रज़ा को कभी रद्द नहीं करता, और फिर अल्लाह से कुछ नहीं छुपा हुआ, न तुम्हारी खुशी और न तुम्हारी तकलीफ़, वो सब जानता है। अंधा, यकीन कर लो इस ज़ात पर, अल्लाह ने न सिर्फ़ एक पुन कहना है, तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तुम बस इस वक्त तक सब्र और यकीन बनाए रखना, क्योंकि वो मुइज़ा करेगा ज़रूर, ये उसकी शान है। और जब तुम इस यकीन के साथ दुआ करोगे ना, तो कुछ भी हो सकता है। दुआ तो इससे भी खींच लाती है जो तुम्हारे नसीब में नहीं होता। दुआ तो लाहासिल को भी हासिल बना लेती है। दुआ तो ढेरों खुशियां लाती है। दुआ का असल मरहला ही सब्र करना है और तवक्कल करना है, और जब तुम इसमें कामयाब हो जाओ तो फिर हर आजमाइश अपने साथ हमारी दुआओं के लिए कुन लाती है, जिसके बाद हमारी चाहत को हमारा नसीब बना दिया जाता है।